हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन प्लांट लैंड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स की जिन्हें कम लाइट में और बहुत ही कम केयर के साथ इजीली ग्रो किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। इसे एयरप्लेन प्लांट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो हवा को प्यूरिफाई करने का काम करता है। स्पाइडर प्लांट को मिट्टी में या फिर पानी में, दोनों में ग्रो किया जा सकता है। स्पाइडर प्लांट की ये वाली जो वेराइटी है वेरीगेटेड वेराइटी है। स्पाइडर प्लांट में एक वेराइटी और आती है जो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है। स्पाइडर प्लांट को ग्रो करने के लिए इनडायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है। इनडायरेक्ट लाइट मतलब आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूरज की तेज़ धूप नहीं आती हो, नहीं तो होगा ये कि इसकी जो टिप्स है लीव्स की वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी। स्पाइडर प्लांट को पब्स के थ्रू भी ग्रो किया जा सकता है। फर्टिलाइजर के लिए आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड प्लांट है सिंगोनियम। इसे एरोहेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएगा। ये वाली जो वेराइटी है, इस वेराइटी का नाम है सिंगोनियम पिंक स्प्लैश। ये एक बहुत ही कॉमन प्लांट है और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम केयर के साथ ग्रो किया जा सकता है। सिंगोनियम को पानी में या फिर मिट्टी में, दोनों में ग्रो किया जा सकता है। आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगोनियम प्लांट जो है वो हैवी फीडर्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें साल में सिर्फ दो बार ही फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे पोथोस, सिल्वर वाइन, डेविल्स आईवी, और इसे बिगनर्स प्लांट भी कहा जाता है। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप इस प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं। मनी प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग को मिट्टी में या फिर पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट भी आपको दो तीन वेराइटीज़ में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे नियोन पोथोस, एंजॉय पोथोस, जिसकी लीव्स दो कलर की होती है, वाइट और ग्रीन। मनी प्लांट एक ट्रेलिंग प्लांट है जिसे हैंगिंग बास्केट में भी इजीली ग्रो किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र के लिए आपको हर 15-15 दिन में सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। यह भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसमें भी आपको 2 से 3 वेराइटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। इस प्लांट को भी कटिंग के हेल्प से इजीली ग्रो किया जा सकता है। इसमें एक वेराइटी और है मेरे पास, एक ग्रीन वाली वेराइटी भी आती है इसमें। सबसे अच्छी बात है इस प्लांट की कि इसे ग्रो होने के लिए बहुत ही कम जगह चाहिए। ये भी एक लो लाइट प्लांट है और आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आप इसे साल में 2 बार वर्मी कंपोस्ट से फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है क्रोटोन। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसकी भी आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके लीव्स ही इतने सुंदर होते हैं और इतने कलरफुल होते हैं जो आपके गार्डन में कलर ऐड करने का काम करते हैं। क्रोटोन को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी कटिंग को पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है कोलियस।
यह भी एक बहुत ही सुंदर पौधा है। अगर आप अपने गार्डन में स्प्लैश ऑफ कलर चाहते हैं तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। इसकी भी आपको मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। कोलियस एक शेड लविंग प्लांट है। आप इसे अपनी बालकनी में ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। कोलियस को भी कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लांट है ड्रेसिना। लंबे लंबे पत्तों वाला यह प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें भी दो वेराइटीज आती हैं। इस प्लांट को भी स्टेम कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है। फर्टिलाइजर के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिन्हें बहुत ही कम केयर के साथ इजीली ग्रो किया जा सकता है, उन पर भी वीडियो जल्दी आएगी।